हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल राधे गोदा ब्लॉग। स्वागत है मेरे चैनल्स में। तो आज मैं आपको लेक्चर्स नहीं डालने वाला हूँ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ ऐसे ऐसे, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम फॉर्म के बाद इसमें करेंगे। एग्ज़ाम का डेट आपको आ चुका है, पहले आ चुका था, लेकिन आपको नोटिफिकेशन में नहीं दे पाया था। आज मैं आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूँ। नोटिफिकेशन आपको यही है कि एग्ज़ाम के डेट आपको पहले अनाउंस हुए थे, लेकिन फॉर्म के अनाउंसमेंट भी हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं इसलिए ये आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो बात किया जाए तो एग्ज़ाम डेट के अनाउंस तो बहुत एक 1.5 महीने पहले हुआ था, लेकिन फॉर्म के क्या हुआ था तो आपको वो डेट में बता देता हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप सीधा अपने डेट देख सकते हो। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपका डेट अनाउंस हो चुका है एग्ज़ाम फॉर्म के 3 फरवरी से। 3 फरवरी से लेके आपको 24 फरवरी तक क्या है, आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट है, बिना लेट फी के। बिना लेट फी के आपको फॉर्म भरने का डेट कब तक है, 24 फरवरी तक है। अगर वहाँ तक आप नहीं भर पा रहे हो तो फिर क्या होगा, आपको यही प्रश्न आते। लेकिन ऐसे कुछ नया प्रश्न है जो सीए फाउंडेशन में बच्चे हैं उनको पता होगा कि अगर विदाउट लेट फी तो 24 फरवरी, अगर आप नहीं भर पाए इन केस ऑफ इमरजेंसी तो आप क्या किया जाए। तो आपको यही करना होगा कि बिना लेट फी के तो हो गया, और लेट फी भरना है तो आपको 3 या 4 मास तक आपको दी गई है। लेट फी के 3 मीन्स 1 हफ्ता और कुछ दिन, 8-9 दिन ऐसे देते हर बार आपको लेट फी के लिए भी, मतलब देते हैं 1 हफ्ता, जहाँ विदाउट लेट फी से क्या होता है 1 हफ्ता या 8 दिन 9 दिन ऐसा ही करके आपको लेट फी के भी अनाउंसमेंट देते हैं। तो आप डिले ना करें, जाके सीधा फॉर्म भर लीजिए अभी, और जिसने नहीं भर रखा है तो वो भी आप फॉर्म भर लिए। और कैसे भरना है वो भी मैं आपको कोई वीडियो बना के आपको मैं जरूर पोस्ट करूँगा, और आप वीडियो जरूर देखना कैसे कैसे भरना है, क्योंकि न्यू रूल निकाल रखा है कि कैसे फॉर्म भरना है। पहले तो डायरेक्ट आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर करके डाल के खुल जाते तो भर ले, अब आपको एक पोर्टल है SSP पोर्टल करके है, वहाँ से आपको हर चीज़ अब हो रहा है, वहाँ से भी आप कुछ एड्रेस चेंज करते हैं, जो भी कुछ आपको करना होगा वहाँ से SSP पोर्टल से होता है। तो अब हम वहाँ से भरने वाले हैं, तो इसलिए मैं आपको ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दे रहा हूँ कि और बाकी जो मैं लिखते पढ़ो आप रिविजन करते चले गए। एग्ज़ाम फॉर्म का भी डेट आ गया और एग्ज़ाम डेट का वो भी पता हो गया, इसलिए अब कंटिन्यू करें पढ़ाई और अपने हिसाब से मेहनत करते रहे। स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्किंग में आपको जरूरत है, दोनों जरूरत है, तो आप कीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम फॉर्म में निकाल दिया है तो आप फिर निश्चित हो, इसके बाद तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इधर उधर ध्यान करें, बस एक बार आप एग्ज़ाम फॉर्म भर देना, इसीलिए मैं आपको ये अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ। और दूसरी बात, मैं मैथ के भी आपको लेक्चर भी स्टार्ट कर दिया हूँ, रिसर्च चैप्टर के 2 हो गया, आज नहीं होगा तो मैं कल आपको फिर ICSE के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और ICSE के सारे क्वेश्चन कराने पर पोर्शन। अब मैं चाहूँगा 1-1 घंटा का लेक्चर बनाऊँ, क्योंकि ताकि आपको ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि 3 पढ़ना है उसमें, मैथमेटिक्स के बाद लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिक्स भी है, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक अब एक एक करके आपको मैं ख़त्म कर, एक बार ऐसे स्टडी मटेरियल को मैं रेशियो ख़त्म करूँगा, फिर अगला वीडियो प्रोपोर्शन के एक एक चैप्टर के एक वीडियो बनाएगा, और छोटे छोटे चैप्टर है तो उसको मैं एक ही वीडियो में सारे कवर करूँगा, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और तो मैं फिर ये वीडियो जब काफ़ी लॉन्ग नहीं करूँगा, ये बस अनाउंसमेंट के लिए आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज लेक्चर मैं शायद नहीं डाल पाऊँगा, इसलिए कि मुझे आज बहुत ज़रूरी काम भी है, तो मैंने इसलिए आपको अनाउंसमेंट बस दे रहा हूँ कि अब ताकि आज आप सब जने एग्ज़ाम फॉर्म भर ले और आज रेस्ट कर ले। रेस्ट क्या, मतलब आज मेरा लेक्चर आपको नहीं मिल पाएगा, तो आप अपना रिवीजन कर लीजिए या कुछ कर लीजिए, मूवी देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका हाथ में। तो आज के दिन आपके लिए मैं लेक्चर नहीं डाल पाऊँगा, इन केस ऑफ मुझे लग रहा है कि नहीं डाल पाऊँगा, फिर भी कोई नहीं, आप पहले के लेक्चर जरूर देखें। तो और जितने भी मतलब देख रहे हो आप, अगर अच्छा लग रहा है तो और आगे भी इसको शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे मतलब कहीं से पे में पढ़ रहा है वहाँ पर नहीं समझ पा रहे, फिर भी उनके लिए तो है बना रखा हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ मैं आपको बोल दिया, अब आपको खुद समझदार हो, अब समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के नाम बता दिया कि डेट आ चुका है एग्जाम फॉर्म के, 3 फरवरी से कब है, 24 फरवरी तक, बिना लेट फी के। अगर लेट फी करके आओ क्या 3 मार्च तक है, यही आपका एग्ज़ाम के फॉर्म पोर्टल के डेट अनाउंसमेंट हुआ था। तो अगर आप नहीं देख पाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चाहे तो आप वेबसाइट में डायरेक्ट दे सकते हो ICSE के।
तो फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर्स में, आपको लेक्चर लेके आऊंगा, ये तो आपकी अनाउंसमेंट हो गया, तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, आज हो या कल आपको लेक्चर जरूर मिलेगा लॉ के भी और मैथमेटिक्स के भी।